हेलो गाइस, क्लास 12th चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट 5th। ये गैमेटोजेनेसिस का जो नेक्स्ट पोर्शन पिछले टर्म में हमने स्टडी किया था, वो अभी कुछ इसमें टॉपिक बाकी रह गया है, उसको हम स्टडी करेंगे। गैमेटोजेनेसिस को जैसे हमने बताया था कि मिलीटोड प्रोसेस में डिवाइड किया गया है स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस हमने पहले लास्ट टॉपिक में डिस्क्राइब कर लिया, एक्सप्लेन किया था। अब इसमें ओजेनेसिस के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओजेनेसिस प्रोसेस इट इज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग्स स्पेशली इन फीमेल। फीमेल्स के मेन सेक्स ऑर्गन्स ओवरी में एग फॉर्मेशन से रिलेटेड है। इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ओवा इन ओवरी इज कॉल्ड ओविडेशन। Some people is also this process known as oogenesis. Oogenesis में जो ovulation होता है उससे पहले uterus अपने आप को ovum receive करने के लिए तैयार रहता है। इसके लिए uterus की endometrium जो एक innermost layer है उसकी cellular lining blood vessels shed off होती रहती है और एक नई layer बन जाती है उसे, और ये प्रोसेस 3-4 दिन तक कंटिन्यू चलती रहती है। इस प्रकार से गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका 3.4, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इस प्रोसेस में फीमेल के जो ओवरी में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से हेल्प से ओवा का फॉर्मेशन होता है और ओवरी के अंदर प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स बनते हैं। इससे पहले यूट्रस अपने आप को ओवा रिसीव करने के लिए तैयार रहता है और इसके लिए यूट्रस की जो इनरमोस्ट लेयर है वो सेलुलर लाइनिंग ब्लड वेसल्स टूटती रहती हैं। ये प्रोसेस और नई लेयर बन जाती है और ये नई लेयर जो है 3-4 दिन प्रोसेस ये चलती रहती है, तो इसको हम मेंस्ट्रुएशन के नाम से जानते हैं। मेंस्ट्रुएशन इसमें जो फीमेल के अंदर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है दैट इज कॉल्ड मीनार्के। इफ स्टार्ट इफ प्रोसेस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट इन फीमेल और गर्ल इज कॉल्ड मीनार्के। द ओवुलेशन टेक्स प्लेस 10-12 डेज आफ्टर द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेनली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 22-28 डेज का होता है। इसमें इस प्रकार से हम इसको डिवाइड करते हैं कि पहले 2-3-4 दिन मेंस्ट्रुएशन, इसके बाद 5th से लेकर के 10th डेज तक फॉलिकुलर फेज होती है, इसके अंदर फॉलिकल्स बनते हैं ओवा के। ओवा की जो नेक्स्ट स्टेज है फॉलिकुलर स्टेज बनती है और उसके बाद फॉलिकुलर स्टेज के बाद 12-16 डेज तक ओवुलेटरी फेज कहलाती है और इसके बाद 18-26 या 28 तक ल्यूटियल फेज कहलाती है। इसमें जो बीच में फॉलिकुलर फेज और ओवुलेशन फेज के बीच में जो इवन नंबर्स होते हैं 10, 13 और 15 डेज, इसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन। इफ द बोथ पार्टनर मेट्स विद ईच अदर दिस प्रोसेस कॉल्ड कॉपुलेशन। The ovum reaches the uterus by the fallopian tubes on the 14th day and dates up to the 16th day for the sperm cell. If does not meet sperm cell, it does not meet a sperm cell, it starts degenerating.
The whole process is known as menstrual cycle. In short, periods. Next topic है आपका fertilization and implantation. इस टॉपिक को हम नेक्स्ट अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. ये भी इजी है वैसे. ये पिछले टॉपिक में हम जो इसका पढ़ते चले आ रहे हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसी का ही पार्ट है. फर्टिलाइजेशन को वैसे प्रीवियसली आप पढ़ चुके हैं. फर्टिलाइजेशन मीन्स होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. In the uterus of female, any ovary receive the sperms and with the mating of ova, and this process after completes fertilization, it becomes change into the zygote, diploid structure. Next time इसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज के लिए बस इतना ही.